नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में ईडी ने हवाला कारोबार के आरोप में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के दो जासूस दो एजेंटे को दिल्ली से ईडी ने किया है गिरफ्तार। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल G17 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यूके से न्योता। समिट से पहले भारत आ सकते हैं बोरिस जॉनसन। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, 26 जनवरी को दिल्ली में हमले की फिराक में खालिस्तानी और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन लगाए गए वांटेड आतंकियों के पोस्टर। जी हां, ये भी आपको बताएंगे। हाई अलर्ट तैयारियां कैसी। इस बीच चौथी बड़ी खबर, भारतीय रंगोली से होगी बाइडेन और हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। 1800 से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर यूएन में भारत के दावे का नेपाल द्वारा समर्थन दिए जाने से बौखलाया चीन, राष्ट्रपति से मिलकर नाराजगी जाहिर किया। वो भी आपको बताएंगे कैसे नेपाल ने भारत का यूएन में समर्थन कर दिया। और इस बीच तांडव को लेकर हो रहे विवाद के बीच बैन होगी तांडव। जी हां, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, राजस्थान से यहां पर लव जिहाद का मामला सामने निकल के आया, लेकिन गहलोत सरकार की खुल गई पोल। कोई कार्रवाई ना होने से लव जिहाद कानून लगाए जाने की उठ रही मांग। तो दोस्तों देश भर की तमाम फटाफट अंदाज में खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली से निकल के आ रही है, जहां पर ईडी ने हवाला कारोबार के आरोप में दो चीनी एजेंटों को किया है गिरफ्तार। बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, सिकंजे में चीनी जासूस। प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन के दो नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। चीनी नागरिकों के नाम चार्ली पेंग और कार्टर ली है। दोनों दिल्ली में रहकर चीन की कंपनियों के लिए एक बड़ा हवाला रैकेट चलाकर भारत सरकार को करोड़ों का राजस्व का नुकसान भी पहुंचा रहे थे और खास करके जासूसी भी कर रहे थे। आयकर विभाग ने पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसके बाद दिल्ली में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पेंग के खिलाफ FIR दर्ज की। आपको बता दें कि ईडी ने चार्ली के खिलाफ अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इतने लंबे समय से ईडी चार्ली पेंग के सभी संदिग्ध लेन देन की जांच शुरू कर दी है। जांच से पहले यह भी पता चला है कि पेंग न केवल भारत में हवाला कारोबार में बल्कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था। चार्ली फर्जी कंपनियां बनाकर भारत में हवाला नेटवर्क चला रहा था। चार्ली ने दिल्ली NCR की साइबर सिटी गुरुग्राम सेक्टर 59 गोल्फ कोर्स रोड स्थित फर्म स्प्रिंग प्लाजा के पत्ते पर इनविन लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पंजीकृत करवाई थी। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। G17 शिखर सम्मेलन के लिए PM मोदी को UK से न्योता। समिट से पहले भारत आ सकते हैं बोरिस जॉनसन। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम UK ने G17 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये बैठक कार्निवल में 11 से 14 जून 2021 तक होने वाली है। रविवार को ब्रिटिश उच्च आयोग की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी भी दी गई है। इनमें यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन G17 शिखर सम्मेलन में पहले भारत का दौरा कर सकते हैं। ब्रिटेन ने भारत को दुनिया की फार्मेसी करार देते हुए कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन में इनके प्रयासों की सराहना भी की है। इसके साथ ही कहा है कि फिलहाल भारत पहले से ही दुनिया के 50% से अधिक वैक्सीन की आपूर्ति करता है। UK और भारत ने महामारी के दौरान एक साथ करीब से काम किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। 226 जनवरी को दिल्ली में हमले की फिराक में खालिस्तानी और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन लगाए गए वांटेड आतंकियों के पोस्टर। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए खालिस्तानी और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन साजिशें रच रहे हैं। इंटलेशिया इनपुट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और वांछित आतंकवादियों की तलाश भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आतंकवादी राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी कर सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस के ACP सिद्धार्थ जैन ने बताया है कि इनमें हमें इनपुट मिले हैं कि खालिस्तानी संगठन और अलकायदा
अवांछित गतिविधि कर सकते हैं। इनको ध्यान में रखकर हमने कई कदम भी उठाए हैं। वांछित अलगाववादियों के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। वैसे तो हर साल ही दिल्ली में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे अहम अवसरों पर सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। आतंकी हर बार इन अवसरों पर गड़बड़ी की का मंसूबा पालते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से इन्हें अंजाम नहीं दे पाते हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। भारतीय रंगोली से होगी बाइडेन हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। 1800 से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के शपथ ग्रहण से जुड़े ऑनलाइन समारोह की शुरुआत परंपरागत भारतीय रंगोलियों के साथ होगी। रंगोली को तमिलनाडु में कोल्लम के नाम से जाना जाता है। घर के द्वार पर इसे बनाना शुभ माना जाता है। हैरिस की मां मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली थी। रंगोली के हजारों डिजाइन बनाने के लिए अमेरिका और भारत के 1800 से अधिक लोगों ने इस ऑनलाइन पहल में भी हिस्सा लिया है। इस पहल से भाग लेने वाले मल्टीमीडिया कलाकार शांति चंद्रशेखर के ने कहा है कि कई लोगों का मानना है कि कोलम सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। विभिन्न समुदायों के सभी आयु वर्ग के लोगों ने पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बनी रंगोलियां बनाने की इस पहल में अपने अपने घर से भाग लिया था। स्थानीय स्तर पर शुरू की गई ये पहल हमारी उम्मीदों से बड़ी अधिक बन गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, घाटी में आतंकियों की संख्या 217। पाकिस्तान की ड्रोन सुरंग साजिश पर सेना के शीर्ष कमांडर ने कही बड़ी बातें। जी हाँ, दरअसल 2020 में आतंकवादियों की भर्ती काफ़ी हद तक नियंत्रण में थी। खासकर 2018 की तुलना में घाटी में आतंकवादियों की संख्या 217 है, पिछले दशक से सबसे कम है। ये बात सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कही है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन और सुरंगों के माध्यम से हथियार और ड्रग्स भेजने के पाकिस्तान की साजिश निश्चित रूप से एक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए हम सुरंगों का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। मुठभेड़ों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक 20 से 25 विशिष्ट तलाशी अभियानों के दौरान आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित होता है। तलाशी अभियान के दौरान ये सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय लोगों को न्यूनतम असुविधा हो। हमारे सैनिकों को स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जब हमें पता चलता है कि आतंकवादी कहीं फंस गए हैं, तो हम उन्हें विशेष रूप से स्थानीय होने पर आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहते हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों चीन की लापरवाही, चीन को पड़ी भारी। वैज्ञानिकों ने मानी चमगादड़ों के काटने की बात। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में कोहराम मचाने वाली कोरोना वायरस की शुरुआत बीते साल चीन के वुहान से हुई थी। इस बार टांग अड़ाने के बाद आप जब चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को इसकी आपत्ति की जांच के लिए वुहान आने दिया, तो हालांकि इस बीच एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें एक बार फिर इस बात की पुष्टि होती है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से ही इंसानों तक पहुंचा और इसकी सबसे बड़ी वजह चीनी वैज्ञानिकों की लापरवाही ही थी। आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि चीन किस तरीके से वहाँ पर चमगादड़ों को काटा जा रहा था। जी हाँ, उससे पहले ये जो खुलासा हुआ है चमगादड़ों के काटने से ही हुआ है। दरअसल लाइब्रेरी में चमगादड़ों को बाकायदा काटा जा रहा था और इससे जहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी के जहर के फैलने से पूरी तरीके से ये कोरोना वायरस फैला है इंसानों में। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा हुआ है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों UN में भारत के दावे का नेपाल द्वारा समर्थन दिए जाने से बौखलाए चीन। राष्ट्रपति से मिलकर जाहिर की नाराजगी। दरअसल दोस्तों भारत भ्रमण पर रहे नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यालीले ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यता पर भारत का समर्थन दिए जाने की घोषणा से चीन बौखला गया है। नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यालीले के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को के स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिए जाने की खबर मीडिया में सामने आई है। उसी शाम को चाइनीज एम्बेसडर ने नेपाल के राष्ट्रपति से मिलकर नेपाल के इस निर्णय पर एतराज जताया है। राष्ट्रपति भवन के उच्च स्थ पदस्थ सूत्रों से मुताबिक नेपाल में चाइनीज एम्बेसडर होंग यांकी ने उसी दिन शाम को करीब 6 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पहुंचे थे और उन्होंने इस बात की आपत्ति जताई थी कि आखिर नेपाल क्यों भारत का समर्थन किया है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से अब चीन के होश उड़ गए हैं जिस तरीके से UN में नेपाल ने समर्थन कर दिया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिल गेट्स बने अमेरिका के सबसे बड़े किसान। 18 राज्यों में खरीदी 2.5 लाख एकड़ जमीन। जी हाँ,
माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर खेती की ज़मीनें खरीद ली हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अब बिल गेट्स अमेरिका के 18 राज्यों में कुल 242,000 एकड़ जमीन की खेती की ज़मीन के मालिक हो गए हैं। इतनी अधिक ज़मीन खरीदने वाले बिल गेट्स अमेरिका में खेती वाली ज़मीन के सबसे बड़े मालिक हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि बिल गेट्स ने सिर्फ खेती योग्य ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया बल्कि तमाम तरीके के कुल 2,68,000 एकड़ ज़मीन के वो मालिक बन चुके हैं। वे ज़मीन अमेरिका के 19 राज्यों में स्थित है, इनमें एरिजोना में स्थित ज़मीन भी शामिल है जिन पर स्मार्ट सिटी बसाने की भी बात सोच रहे हैं। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि 65 साल के बिल गेट्स ने अमेरिका के लुसियाना में लगभग 70,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठी खरीद ली है, जिसके बाद वो बड़े पैमाने पर किसान बन गए। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। इन 8 ट्रेनों से सीधे पहुंचे केवड़िया, विस्टा डोम में प्लेन जैसी सुविधाएं। जी हाँ, भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी खास जगह के लिए 7-8 ट्रेनें अलग अलग जगहों से रवाना हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। उन्होंने केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा उन्होंने ब्रॉडगेज लेन का भी उद्घाटन किया है। दरअसल ये सारी कवायद गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने की भी है। पीएम मोदी ने वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हज़रत निज़ामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रताप नगर से केवड़िया को जोड़ने के लिए ट्रेन शुरू की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जो 8 जोड़ी ट्रेनें रवाना हुई हैं उनमें से कई लग्जरी हैं जिसमें प्लेन जैसी सुविधाएँ भी हैं। अहमदाबाद से केवड़िया के लिए जो ट्रेन चलेगी उनमें विस्टा डोम वाले कोच लगे हुए हैं जिससे यात्रा एक अलग आनंद ही मिलता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। टांडो में सैफ पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, बीजेपी नेताओं ने की बैन की मांग। जी हां, सैफ अली खान डिंपल कबाड़िया की वेब सीरीज तांडव शुक्रवार को रिलीज हुई है। हालांकि इस सीरीज को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक राम कदम ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल एक बार फिर से उस वेब सीरीज का हिस्सा बने जिसे में हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। उन्होंने अपने हैंडल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आखिरकार क्यों हर बार फिल्मों और वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किया जाता है। ताज़ा उदाहरण नई वेब सीरीज तांडव है। सैफ अली खान एक बार फिर से ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा है जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। अनुराग ठाकुर ने समीरपुर में डाला वोट। जी हाँ, दरअसल हमीरपुर जिले में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ग्राम पंचायत समीरपुर में मतदान किया है। हमीरपुर जिले में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ग्राम पंचायत समीरपुर में मतदान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पत्नी साधना ठाकुर के साथ पंचायती राज्य चुनाव के पहले चरण के रविवार को मोरहाग पंचायत में वोट डाला है। मोरहाग पंचायत में इस बार सर्वसम्मति नहीं बनी सकी है जिसके कारण यहाँ मतदान करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह पंचायत निर्विरोध चुनी गई थी जिसके बाद उम्मीद थी कि सीएम जयराम ठाकुर की गृह पंचायत मोरहाग में भी सर्वसम्मति हो सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप में स्टेटस लगा, यूजर्स को दिया मैसेज, प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध, फेसबुक के साथ नहीं साझा करेंगे डाटा। व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने की तैयारी में है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। आलोचनाओं के बीच व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी नीति को लेकर सफाई भी पेश कर दी है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर बताया है कि वो यूजर्स की प्राइवेसी बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। रविवार को ही सुबह जब यूजर्स ने व्हाट्सएप चलाना शुरू किया तो देखा कि स्टेटस सेगमेंट में व्हाट्सएप का एक स्टेटस था जिसे प्राइवेसी नीति को लेकर कुछ बातें कही गई थी, जिनमें पहला मैसेज था कि आपकी प्राइवेसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों अब इस तरीके की व्हाट्सएप भी बताने लगा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। राजस्थान सामने आया लव जिहाद का नया मामला, फिर उठी यूपी की तर्ज पर कड़े कानून बनाने की मांग। राजस्थान में भी यूपी की तर्ज पर लव जिहाद कानून मामले बनाने रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की पिछले दिनों मांग उठ चुकी है। अब ऐसा ही प्रकरण बीकानेर के सामने आने के बाद लव जिहाद विरोधी कानून की मांग फिर से तेज उठ गई है। भाजपा नेता बीकानेर के मामले को गंभीर मानते हैं। सरकार के मामले की निष्पक्ष जाँच करने और ऐसे मामले पर रोक लगाने की पैरवी कर रहे हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बीकानेर में सामने आए लव जिहाद के मामले का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया के जरिए सरकार से कड़े कानून बनाए जाने की मांग की है। चौधरी का कहना है कि बेटी चाहे किसी भी धर्म जन्मी हो, हमारी बेटियां हमारे लिए गौरव व इज्जत हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को बीकानेर के लव जिहाद मामले की निष्पक्ष जाँच करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लव जिहाद का मामला काफ़ी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी गहलोत सरकार इसको छुपाने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें यूपी ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा करने वाले 34 लोगों पर 30 लाख का जुर्माना। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बतिया जिले के दुर्गला गांव में ग्राम समाज की ज़मीन पर डेढ़ दशक से अवैध कब्जा जमाए 34 लोगों के खिलाफ सदर तहसील गुलाबचंद ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि ग्राम समाज की ज़मीन जो है उसको आप छोड़िए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बीच बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी एमपी ने भी बैन लगाने की मांग की। महाराष्ट्र में भी और खास करके यूपी में भी बैन लगाने की मांग उठने लगी। हाल ही में सैफ अली खान के लीड रोल वाली वेब सीरीज तांडव रिलीज हुई है। इस बीच भाजपा शासित राज्यों में बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पाँच रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता करेंगी अगुवाई। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव में ठीक पहले अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बंगाल की जनता तक पहुंच बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने नए अभियान के तहत बीजेपी राज्य में रथ यात्राएं निकालेंगी। इन रथ यात्राओं के जरिए पार्टी राज्य के लोगों तक पहुँच और बड़े बदलाव या परिवर्तन को संदेश भी देगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बंगाल के अलग अलग 5 क्षेत्रों से रथ यात्रा निकालेगी, जिनमें सभी 294 सीटें कवर रहने की भी कोशिशें होंगी। यानी बीजेपी की कोशिश होगी कि यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरे, ताकि परिवर्तन का संदेश हर घर तक पहुंचता रहे। तो ये गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान, बीजेपी की स्ट्रेटजी पूरी तरीके से इस बार ममता को उखाड़ फेंकना है सत्ता से। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।